Assalamu alaikum, dear students. I am Alina Naim from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the lecture number 6 of Wildlife of Pakistan. So welcome to the lecture. The topic of today's lecture is Biodiversity and Sustainability of Wildlife. In this lecture, we are going to discuss about biodiversity, key issues or major threats faced by the wildlife of a particular region. Next, we are going to discuss about sustainability and how biodiversity contribute to sustainability. And at the end, we are going to discuss about the sustainable wildlife management. So let's start with biodiversity. Biodiversity is a simple term used for biological diversity, and it refers to the variety of life forms present on Earth. All kinds of life, puri jo Earth hai hamari, uske upar har tarah ki life forms jo present hain, wo hamare paas biodiversity mein aati hain, ranging from the molecular to landscape level. Totality of genes, species, and ecosystem within a region. Or the wealth of life on earth today is the product of hundreds of millions of evolutionary history. ठीक है जी, जो आज हमारे पास अर्थ पे हमारी जो अर्थ है वहाँ जिस उस पर जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट हैं, वो एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो आई हैं हमारे पास, ओरिजिनेट हुई हैं. और हर कोई जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को जो है वो यूज़ करते हुए अडाप्ट किया है डिफरेंट स्पीशीज़ ने डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में. हर स्पीशी ने जो है वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट कल्चर्स को और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को अडाप्ट किया है. बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स पीपल. इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, medicine and contributes to our economy. Overall jo hai wo wildlife has a major contribution to our lives, to humans, to our environment, to the economy of our countries. It tells us a lot about the health of a biosphere. The greater the variety of species, the healthier the biosphere. So far we have discussed three types of biodiversity: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास किसी भी एरिया में जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, जो एक स्पीशी है उसका जेनेटिक पूल जो है वो दूसरी स्पीशीज से तो वेरी करता ही है, लेकिन उस स्पीशी के मेंबर का, उस स्पीशी की जो अपनी पॉपुलेशन है, उसके तमाम मेंबर्स का जो है वो जीन्स या जेनेटिक मटीरियल वो आपस में भी जो है वो वेरी करता है. ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट जो पॉपुलेशन है एक स्पीशी की, उसका जो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है जी, वो हमारे पास उस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उस स्पीशी की. ठीक है जी, तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनके सेपरेट जेनेटिक पूल हैं, सेपरेट जेनेटिक मेकअप्स हैं. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो जो हमारे पास वेराइटी प्रेजेंट है, वेराइटी स्पीशीज की और अबंडेंस, यानी कि कितनी तरह की जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट हैं और उनकी अबंडेंस कि कौन सी स्पीशी जो है वो हमारे पास कितनी जो है वो कितनी परसेंटेज में या कितने नंबर में कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है. इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हर इकोसिस्टम जो है वो अपने जो है स्पेसिफिक क्लाइमेट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक जो है वो स्पीशीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है. तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट देयर. सो फार वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन, टाइप्स, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड लॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आवर लाइव्स. Importance and significance of wildlife conservation for our environment, for our ecosystem, for our biosphere, for our earth. And now we are going to discuss the key issues or major threats that the wildlife of any region have to face. What are the threats and how we can cope with them? Major key issues or threats
faced by wildlife of Pakistan. Different wildlife species face different kinds of threats. Different तरह की जो wildlife species है हमारे पास, उनको different तरह के जो है वो threats face करने पड़ते हैं. Depend करता है कि वो कौन से region में present हैं, वो किस तरह के landscape, किस तरह के जो है वो ecosystem में present है, ठीक है. वहाँ पर जो है वो human activities कितनी हैं और human activities का effect कितना है, humans का intervention कितनी है. उसके अलावा वहाँ पर जो है उनका environment जो है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पीशी टू स्पीशी, रीजन टू रीजन वेरी करता है कि किस किस तरह के उन्हें इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 12% ऑफ द फ्लोरा मीन्स प्लांट इज थ्रेटेंड एंड सेवरल ऑफ द फॉनल स्पीशीज आर थ्रेटेंड टू, ठीक है जी. और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास कौन सा ग्रुप है जिसके मेंबर जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड हैं, तो वो है जी हमारे पास मैमल्स. अगर हम वर्टिब्रेट ग्रुप्स की या प्लांट्स की ओवरऑल बात करें, प्लांट्स में हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अलावा हमारे पास हैं. उसके अलावा एनिमल्स में हमारे पास हैं जी फिशेज, एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. सारे की सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में से सबसे ज़्यादा जो है वो मैमल्स की स्पीशीज़ हमारे पास थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड हैं. और however, the real status of most species remains unknown, plus it keeps changing with time. Some of the major threats posed by human activities are discussed next. So major threats faced by wildlife are deforestation and loss of habitat, hunting or poaching, illegal hunting, irrigated agriculture, population growth, climate change, overgrazing. We will discuss how all of these categories, how all of these factors affect wildlife. Next, natural disasters or catastrophic events, changes in the native species dynamics, or you can say the introduction of invasive and exotic species in a particular region. Pollution, how pollution affects competition with domestic livestock, competition of wildlife organism of a particular region with the domestic livestock of that region, soil erosion and non-sustainable agricultural practices. So let us discuss these categories in detail. Deforestation and loss of habitat. हैबिटेट लॉस जो है वो अराउंड द ग्लोब ग्रेटेस्ट थ्रेट है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए, ठीक है जी. और ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है एज अ मेजर थ्रेट विच इज़ अफेक्टिंग अप टू 85% ऑफ द स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. पूरी की पूरी वर्ल्ड में फॉरेस्ट, स्वैम्पी एरियाज, प्लेन्स, लेक्स और बहुत सारे हर तरह का जो हैबिटेट है वो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो श्रिंक करता जा रहा है, डिसअपियर होते जा रहे हैं हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट्स, क्योंकि उन्हें क्लियर किया जा रहा है. उन सारे एरियाज़ को जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्लियर किया जा रहा है, ठीक है जी. वहाँ पर एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं डिफरेंट, ठीक है. रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट्स के लिए जो है वो सारे का सारा एरिया क्लियर किया जा रहा है. बड़े बड़े जो हमारे पास पहले फॉरेस्ट अवेलेबल थे, ठीक है, अब वहाँ पर जो है वो सारी की सारी वुडलैंड, सारे ट्रीज, सब का सब एरिया क्लियर करके, ठीक है, और वुड और टिम्बर वगैरह का जो है वो सेल किया जाता है और उसके अलावा उसे लोकल जो है वो बिजनेस में यूज़ किया जाता है. और सारा का सारा जो है वो एरिया क्लियर करके उसे ह्यूमन पर्पज, ह्यूमन के जो है वो बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है. Without a strong plan to create terrestrial and marine protected areas, important ecological habitats will continue to be lost. So, अगर हम कोई भी proper planning नहीं करते अपने terrestrial और marine, terrestrial और जो भी हमारे पास fresh water या marine habitats हैं उन्हें conserve करने के लिए, उन्हें protect करने के लिए, तो with the passage of time जो है वो हमारे सारे के सारे habitats जो हैं वो ऐसे ही shrink होते जाएंगे, loss होते जाएंगे. सबसे बड़ा रीज़न क्यों जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए क्लियर किया जाता है फॉरेस्ट लैंड्स को, वुड लैंड्स को, ठीक है, सारे के सारे ट्रीज़ जो है वो कट कर दिए जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, विद द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, तो विद इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो फूड जो है वो फूड की जो डिमांड है हमारे पास वो इंक्रीज़ करती जा रही है, और उस इंक्रीजिंग फूड फूड प्रोडक्शन या फूड डिमांड को पूरा करने के लिए
वो सारे के सारे लैंड एरियाज, फॉरेस्ट लैंड क्लियर किए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू की जाती हैं। एक तो फूड प्रोडक्शन हो गया कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा जो है हम टिम्बर और वुड जो ऑब्टेन करते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट से, ठीक है, उसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास हो रही है, और फॉरेस्ट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ग्रासी एरियाज या जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारे पास जो है वो डिमिनिश होते जा रहे हैं, किसी भी एरिया की में जो है वो ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग का जो है वो हम अलग से भी देखेंगे। क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट की एग्जांपल है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है जी, पाकिस्तान में इज रिपोर्टेड टू बी श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर, ठीक है जी। तो उसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह है उसकी कमर्शियल लॉगिंग, कि उसकी जो वुड और टिम्बर है उसे यूज़ किया जाता है जी, वुड और टिम्बर को ऑब्टेन करने के लिए जो है वो फॉरेस्ट कट किए जाते हैं, फॉरेस्ट डिग्रेड डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हमारे पास क्या है, कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास जो है वो आइसोलेशन हो जाती है हमारे पास पॉपुलेशन की, ठीक है, एक पहले जगह पे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज अवेलेबल थी, अब उन्हें किसी भी तरह से अगर आइसोलेट कर दिया गया है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो उनकी एक्सटिंक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में 4 तरह की मेमेलियन स्पीशीज हैं, 4 टाइगर, लाइन, स्वैम्प डियर और 1 हॉर्न राइनोसिरोस, जो कि कभी पाकिस्तान में प्रेजेंट थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह जो है वो हमारे पास हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ही है। नेक्स्ट इज हंटिंग, इलीगल हंटिंग और पाउचिंग। हंटिंग हैज़ डीप रूट्स इन पाकिस्तानी कल्चर। मुगल एम्पायर्स जो थे उनके दौर में, मुगल हुक्मरानों के दौर में जो है वो रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए हंटिंग को यूज़ किया जाता था एज अ स्पोर्ट, और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उन्हें इतना ज़्यादा हंट किया जाता है, इतना ज़्यादा हंट किया जाता है कि हंटिंग प्रेशर इंक्रीज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है डैट लीड्स टूवर्ड्स द एक्सटिंक्शन ऑफ डैट स्पीशी। बहुत सारे लिजर्ड्स और स्नैक की एग्जाम्पल है कि जी लिजर्ड्स और स्नैक को किल किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिनल पर्पजेज में भी, वैसे तो लिजर्ड्स को यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा लिजर्ड्स और स्नैक्स को स्किन के लिए जो है वो किल किया जाता है, और लिजर्ड्स और स्नैक के अलावा एम्फीबियंस में हमारे पास लिजर्ड्स और स्नैक्स के अलावा रेप्टाइल्स में हमारे पास क्रोकोडाइल्स भी हैं जिन्हें जो है वो किल किया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसे बिग एनिमल्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जी, फॉर एग्जांपल मार्कोपोलो शीप है हमारे पास, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे मीट के लिए, और उसके अलावा उनके जो है वो हॉर्न्स, उनकी स्किन, ट्रॉफी, एज ए ट्रॉफी यूज़ की जाती है, ठीक है, उन्हें किल किया जाता है। और डिस्टर्बिंग द नेचुरल ऑर्डर हैज़ अदर मोर सबटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो भी हम स्पीशीज़ को हंट करते हैं, स्पेसिफिकली वो जिनका जो है हंटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनका पॉपुलेशन नंबर रिड्यूस होता है तो डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारे पास नेचुरल ऑर्डर में, ठीक है। डिफरेंट फूड वेब्स और फूड चेन्स हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एक स्पीशी के अंदर से ख़त्म या ऐड होने की वजह से हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी फूड चेन्स जो है, फूड वेब नेट फूड नेटवर्क्स जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वाइल्ड बॉर्स, जैकल्स और पार्क्यूपाइन का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है एक एरिया में, तो हम इसे जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि उनके जो प्रीडेटर्स हैं जो उन्हें खाते हैं, एनिमल्स, बिगर एनिमल्स, लार्जर कैट्स, जो कि वाइल्ड बॉर्स, जैकल्स और गोल्डन जैकल पाकिस्तान में प्रेजेंट है जो, और पार्क्यूपाइंस के ऊपर जो फीड करते हैं, ठीक है, उनके प्रीडेटर्स का नंबर अगर कम हो जाएगा तो इनका नंबर कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इनका नंबर वाइल्ड बॉयज का और जैकल्स, पार्क्यूपाइंस वगैरह का नंबर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो है स्नैक्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा जिन पे वो फीड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली जिन पे वो फीड करेंगे तो वो रिड्यूस हो गए हैं। अब स्नैक्स अगर रिड्यूस हो गए हैं तो स्नैक्स जिस पे फीड करते थे, फॉर एग्जाम्पल रैट्स, तो रैट्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, और वो जो है वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स में जो है वो आ जाएंगे और एग्रीकल्चरल लैंड्स को, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ग्रेन्स क्रॉप्स जो हैं हमारे पास उन्हें स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं रैट्स और माउस। और नेक्स्ट हम अगर एग्जाम्पल लें बर्ड्स की,
तो अगर हमारे पास किसी भी एरिया में बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि वो ऐसे बर्ड्स जो दूसरों को जो है वो हंट करते हैं, ये दूसरों के जो है दूसरे बर्ड्स पे फीड करते हैं, ठीक है, अगर बर्ड्स ऑफ प्रे जो है रेप्टर्स हमारे पास कम हो जाएं, तो उनकी वजह से जिन बर्ड्स पे वो फीड करते हैं वो सारे के सारे अनडिजायरेबल बर्ड्स बहुत सारे जो है वो हमारे इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, उनके प्रीडेटर्स ही इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल करने वाला फैक्टर ही एलिमिनेट हो गया है, जिसकी वजह से वो जो है वो ग्रो करते जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन बिल्डअप होती जाएंगी इन्वायरमेंट में, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय कर देंगी अंडरग्रोथ को। अंडरग्रोथ हम कहते हैं जी हर्ब्स और श्रब्स जो ट्री लाइन्स के नीचे नीचे जो है वो ग्रो करती हैं, ठीक है, तो उन उसकी वजह से जो है वो उसे भी डिस्ट्रॉय करेंगी। उसके अलावा उनके ड्रॉपिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ट्री इटसेल्फ, जिस ट्री पे वो बर्ड्स जो है वो रूस्टिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन बर्ड्स ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास ट्रीज डिस्ट्रॉय होते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन जैसे जो है वो प्रॉब्लम्स इरोज होंगे, ठीक है जी। इरीगेटेड एग्रीकल्चर another major threat to both the riverine and mangrove forests of Pakistan. They are fast disappearing. ठीक है जी, तो इसकी वजह क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इरीगेटेड एग्रीकल्चर क्या है जी, इंडस रिवर में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडस रिवर की बात करें, अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इंडस रिवर डेल्टा और इसके अलावा जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट है। और रिवराइन फॉरेस्ट की बात करें तो रिवराइन फॉरेस्ट जो है वो सारे के सारे रिवराइन ट्रैक्ट्स के साथ यानी कि दरियाओं के जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, उनके साथ साथ जो भी फॉरेस्ट और जो भी एग्रीकल्चरल एरिया अवेलेबल है उसे हम कहते हैं जी रिवराइन ट्रैक्ट। तो वहाँ पर जो है वो जितनी भी इरीगेशन है उस एग्रीकल्चरल एरिया की या उन फॉरेस्ट की दरिया के पानी से होती है जी, जो इंडस रिवर फ्लो कर रहे हैं या दूसरे प्रोविंसेस में जो दूसरे रिवर्स के साथ साथ रिवराइन एरिया अवेलेबल है वो उन्हीं जो है वो रिवर्स के पानी से जो है वहाँ की इरीगेशन होती है। अगर रिवर में जो है वो वाटर लेवल ड्रॉप कर जाए तो उन एरिया की प्रॉपर जो है वो इरीगेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट जो स्पीशीज सर्वाइव करती हैं या ग्रो करती हैं वो सही से ग्रो ही नहीं कर सकती। उबान फॉर एग्जाम्पल उसकी एक प्लांट स्पीशी है जो वहाँ ग्रो करती है। उसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो कम्प्लीट फॉरेस्ट सिस्टम है जी जो प्रेजेंट है इंडस डेल्टा में स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। तो उसके अलावा अगर वहाँ पे जो है वो प्लांट स्पीशीज़ ही थ्राइव नहीं कर रही तो वहाँ पर जो बर्ड स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ अवेलेबल हैं तो वो भी क्या होंगी, डिमिनिश हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है जी। हॉक डियर, जंगल कैट, फिशिंग कैट और की स्पीशीज़ और उसके अलावा बर्ड्स में हमारे पास ग्रे और ब्लैक पैट्रोजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ऐसे एरियाज में, ठीक है जी। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर, उसके अलावा जो है वो फिशेज भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, फिश स्पीशीज भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। तो वो सारी की सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो उस उन एरियाज की वो अकॉर्डिंगली जो है वो लॉस होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया वाटर लेवल, रिवर के वाटर लेवल ड्रॉप होने की वजह से जो है वो श्रिंक करता जा रहा है विद टाइम, और फॉरेस्ट श्रिंक होने की वजह से वहाँ की जो है वो वेजिटेशन रिड्यूस हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और फर्दर जो है वो जितनी स्पीशीज वहां थ्राइव करती हैं उनका नंबर भी रिड्यूस हो रहा है। बोथ ऑफ दीज इकोसिस्टम्स रिवराइन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एंडेंजर्ड इकोसिस्टम्स एंड इफ दे डिसअपीयर दे वुड टेक अ यूनिक एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज विद देम। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स अफेक्ट वाइल्ड लाइफ। Principal threat to biodiversity comes from the increased pressure on natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास उन पे जो है वो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है कि जैसे जैसे जो है वो पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन डिमांड्स फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल फूड। जैसे कि जैसे जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी ही जो है वो फूड की डिमांड बढ़ती जाएगी उस सारी की सारी पॉपुलेशन को कोप करने के लिए, ठीक है। तो फूड की डिमांड बढ़ेगी तो हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्रीज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लैंड एरिया चाहिए, ठीक है। तो वो लैंड एरिया फिर कहाँ से आएगा, वो लैंड एरिया आएगा जी फॉरेस्ट की
क्लियरेंस से जी, डीफॉरेस्टेशन से, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट से, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो उनका हैबिटाट डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक है जी। तो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही, उनकी जो है वो डिफरेंट डिवेलपमेंट्स की वजह से, पहली बात तो उनके पॉपुलेशन रेट इंक्रीज करने की वजह से, दूसरी बात डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से जो है वो हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट जो है वो वाइल्ड लाइफ का वो श्रिंक करता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और बहुत सारा हैबिटाट जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी होता जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ नंबर जो है वो अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और फिर वाइल्ड लाइफ जो जब हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो गया, उनके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉपर हैबिटाट अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो अर्बनाइज्ड एरियाज़ में, ह्यूमन पॉपुलेटेड एरियाज़ में आ जाते हैं, और वो जो है प्रीडेटरी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बियर्स हैं, माउंटेन लाइंस हैं, जो भी माउंटेनियस रीजन्स में जो है वो लोग रह रहे हैं, और वो जो उनके वहाँ पे जो भी उनके पेट्स हैं, उनके मवेशी हैं, उन सबको जो है फिर वो इन वाइल्ड एनिमल्स से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है जी। किसी भी वक्त जो है वो अटैक कर देते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे, या उनके जो है वो कैटल्स या उनके जो पेट्स हैं, पेट एनिमल्स, उन पे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स फेस न्यू चैलेंजेस फॉर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमंस के साथ की तरह ही बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स को भी जो है वो इक्वली इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में हमारे पास आ सकते हैं जी ड्रॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, इंटेंस ड्रॉट, खुशकसाली एक लंबे अरसे के लिए, या सख्त किस्म की जो है वो ड्रॉट और फैमिन्स आ जाते हैं, स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सी का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है विद टाइम, वार्मिंग ओशंस कैन डायरेक्टली हार्म एनिमल्स, डिस्ट्रॉय द प्लेसेस दे लिव एंड रैक हैवक ऑन द पीपल्स लिवलीहुड एंड कम्युनिटीज, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे डिफरेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जितने भी जो है वो इफेक्ट्स हैं, वो सब के सब जो है वो इक्वली ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ कम्युनिटीज को, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कम्युनिटीज को इफेक्ट करते हैं। To avoid the worst effect of climate change, we need to be dramatically reduce the global carbon emissions. ठीक है जी, अगर हम climate change को, climate change के जितने भी worst effects हैं wildlife लाइफ पर, उन्हें reduce करना चाहते हैं, तो हमें climate change को control करना पड़ेगा। Climate change को control करने के लिए हमें जो भी हमारे पास जो है इंक्रीज ग्लोबल कार्बन एमिशंस है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे जो है वो हम कंट्रोल कर सकें और इसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकें, ठीक है। जो कार्बन एमिशन सोर्सेज है हमारे पास, उन सब के जो है वो हम अल्टरनेटिव यूज़ करें, ठीक है, और ताकि जो है वो हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर या जो भी हमारे पास अराउंड द ग्लोब जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, या हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स है, यानी कि जो बारिश के हमारे पैटर्न्स हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं, कि पहले जो है वो हमारे पास जिन मंथ्स में जो है वो हमारे पास बारिशें होती थी, अब जो है वो उनका पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। उसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन और सी लेवल का जो राइज है वार्मर टेम्परेचर की वजह से, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल राइज करता जा रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इन सब को जो है वो रिवर्स करने के लिए हमें जो है वो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जो है जी हमारे पास है कि एक्स्ट्रा ग्रेजिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेंजलैंड्स, रेंजलैंड्स हम कहते हैं जी सारे के सारी ग्रास लैंड्स, वुड लैंड्स, श्रब लैंड्स, और जितने भी जो है वो वेट लैंड्स, और जितने भी ग्रास लैंड्स डेजर्ट एरिया में अवेलेबल हैं अराउंड द कंट्री, उन सबको जो है वो हम रेंज लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अराउंड द कंट्री जितने भी हमारे पास रेंज लैंड्स अवेलेबल हैं, वहाँ की जो है जितनी कैरिंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन होती है जी उस एरिया की, ठीक है, अगर उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर बर्डन ऐड कर दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है उसकी विद टाइम, उससे ज़्यादा जो है उसे यूज़ किया जाए, एक्सप्लॉयट किया जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्लियरिंग ऑफ लैंड्स हो जाती है, सारी की सारी ग्रास क्लियर हो जाती है, बैरन लैंड्स हमारे पास रह जाती हैं पीछे, ठीक है जी, और फर्दर जो है वो न्यू ग्रास ग्रो करने तक जो टाइम रिक्वायर होता है, उस टाइम में भी जो है वहाँ पर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो फीड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लांट स्पीशीज पे, जिसकी वजह से जो है वो पूरे के पूरी जो है वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट भी डिप्लीट कर जाते हैं उस एरिया में, ठीक है जी। द सिचुएशन इज़ सो सीरियस दैट मोस्ट रेंजलैंड्स प्रोड्यूस लेस देन 30% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली ओवर ग्रेजिंग की वजह से
उनकी जितनी भी रेंज लैंड्स हैं अराउंड द कंट्री, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 30% से भी कम जो है, 30% तक जो है वो रिड्यूस हो गई है. ठीक है जी, प्रोड्यूस लेस देन 30% ऑफ देयर कैपेसिटी. तो अब वो जो है वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से 30% कम प्रोड्यूस करते हैं. ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टॉप सॉइल. ओवर ग्रेजिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैरिंग कैपेसिटी ही उस इकोसिस्टम की डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि जो है वो वहाँ की सारी टॉप सॉइल जो है वो लॉस हो जाती है. टॉप सॉइल जो है वो लॉस होने की वजह से जो भी वहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर या विंड जो है वो किसी भी तरह से वहाँ पर आए, वाटर आएगा तो वो सारी की सारी सॉइल की ऊपर वाली लेयर को ले जाएगा अपने साथ, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होगा. ठीक है, और दूसरी बात कि डिजर्टिफिकेशन हो जाएगी, कि सारी की सारी सॉइल की लेयर अगर जो है वो पानी के साथ ही बह जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा, और फर्दर जो है वहाँ पर ग्रासेस ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं रहेंगे. ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे और फर्दर वहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं कर सकेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो लैंड डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे सारी की सारी लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी. ठीक है जी, लैंड डिग्रेडेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी बट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन पैलेटेबल स्पीशीज. ठीक है जी, तो कह रहे हैं जी लैंड डिग्रेडेशन अगर हम फ्रीक्वेंटली जो है वो ओवर ग्रेजिंग करें उस लैंड एरिया की, तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी ही रिड्यूस नहीं होती. जैसे हमने पहले बात की कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ही उसकी रिड्यूस कर जाती है ओवरऑल, उसके साथ साथ जो है वो पैलेटेबल स्पीशीज जितनी भी जो है वहाँ पे प्लांट स्पीशीज अवेलेबल हैं ईटिंग पर्पजेज के लिए, वो सारी की सारी भी जो है वो हमारे पास उनका नंबर कम हो जाता है. ठीक है, और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन अब जो वहाँ पे वेजिटेशन अवेलेबल थी उसके ऊपर जितनी की जितनी वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल थे फॉर एग्जांपल, वो सब के सब जो उस पर फीड करते थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो रिस्की हो जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी. ठीक है, वो भी कम रह जाएंगी. ऑफकोर्स अगर उनका फूड ही अवेलेबल नहीं है, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो भी कम रह जाएंगे. जब वो हर्बीवोर स्पीशीज जो है वो जितनी भी उस एरिया पे उस एरिया में जो है वो फीड करती थी वेजिटेशन पे, ग्रासेस पे, प्लांट स्पीशीज पे, वो सारी की सारी अगर रिड्यूस होंगी तो अकॉर्डिंगली उन पे फीड करने वाले जो बिगर प्रेडेटर्स हैं, बिगर एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और सारा का सारा बैलेंस उस इकोसिस्टम का डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट इज पोल्यूशन. कि पोल्यूशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है, पोल्यूशन कैसे जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट है. तो अगर हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेमिनेशन वहाँ पे जो है वो अवेलेबल होती है. ठीक है, अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं इंडस्ट्रीज से, वो डायरेक्टली जो है वो बगैर किसी किस्म की रिफाइनिंग के उन्हें स्ट्रीम्स में, रिवर्स में जो है वो एक्सक्रीट किया जा रहा है. ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्म्स से जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल इरोजन के साथ जो है वो आते हैं, पानी के साथ बह के जितने भी जो है वो सॉइल और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सब का सब जो है वो सब कुछ वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करते हैं. उसके अलावा जितना भी सिटीज़ का जो है वो ट्रैश है वो लैंडफिल्स में जब डिपॉजिट किया जाता है तो वहाँ से जो है वो किसी भी तरह से उसके जो है वो कुछ भी पार्ट्स वो जो है वो पानी में मिल जाते हैं. ठीक है, तो वो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं. और इसके अलावा जो है वो स्मॉग हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो पोल्यूशन का विजिबल साइन है, कि हर जगह पे जहाँ पे भी जो है वो पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे हमें स्मॉग विजिबल होती है. ठीक है जी, तो हर तरह का जो हमारे पास लैंडस्केप है वो सफ़र कर रहा है पोल्यूशन सोर्सेज की वजह से. ठीक है, तो पोल्यूशन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस को ही इफेक्ट नहीं करती बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी जो है वो इक्वली इफेक्ट करती है. सारे के सारे लैंडस्केप जो हैं वो मडी हो चुके हैं, ख़राब कर देती है पोल्यूशन लैंडस्केप्स को. उसके अलावा जो है वो सॉइल को पॉइजन कर देती है, और सारे के सारे वाटर वेज में जब हमारे पास जो है वो पोल्यूटेड मटीरियल, सारे के सारे केमिकल्स जो हैं, एफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं, उसके अलावा जहाँ से भी जो है वो सॉइल या न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ रहे हैं वो सब के सब वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन वाटर बॉडीज़ में जो वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है वो भी जो है वो एक्सटिंक्शन के रेट पे रिस्क पे चली जाती है. ठीक है जी, जितनी भी प्लांट स्पीशीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर सकते तो उनके ऊपर फीड करने वाली सारी की सारी एनिमल स्पीशीज़ भी जो है वो एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन चली जाती हैं. इज नेचुरल डिजास्टर्स. एनिमल्स जो कि वाइल्ड में प्रेजेंट है हमारे पास एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक एनिमल्स, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं नेचुरल डिजास्टर्स के लिए. ठीक है जी, नेचुरल डिजास्टर्स हमारे पास जो है वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, वॉल्केनिक एरप्शंस, सुनामीज एंड फॉरेस्ट फायर्स.
फॉरेस्ट फायर्स आर द मोस्ट फेमस वंस. फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो नेचुरल फायर्स हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो है वो नेचुरली फॉरेस्ट में जो है वो फायर स्टार्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ अर्सा पहले जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है वो फॉरेस्ट फायर की वजह से वाइल्ड लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. अराउंड 1 बिलियन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ मैमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है वो इफेक्ट हुई है उसकी वजह से. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो है वो नेटिव और एंडेमिक स्पीशी थी जो कि वहाँ उस इलाके उस फॉरेस्ट के अलावा और कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारी जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है वो स्वीयर इफेक्ट होती है इस तरह के जब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है वो सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है वो आते हैं तो उसकी वजह से जो है वो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन स्वीयरली इफेक्ट होती हैं. बहुत सारे एनिमल्स वैसे जो है वो यूजुअली जो है वो ड्राउन कर जाते हैं जी फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर. इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है या इसके अलावा जो है वो ऐश लावा या स्नो में जो है वो बरेड होके जी वो उनकी डेथ हो जाती है एंड दे आर क्रश टू डेथ. और बहुत सारी जो है वो इसी तरह से जो है वो वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट होता है जी उनका पॉपुलेशन नंबर. उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स तो जिनकी डेथ हो जाती है इस तरह के सडन इवेंट्स की वजह से. ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिन्हें जी मेजर इंजरीज फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग कट्स और एब्रेशंस टू आईज स्पीयर जो है वो उन्हें ऑर्गन जो है वो उनके इफेक्ट होते हैं उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स को जो है वो नुकसान पहुँचता है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की बात करें अगर तो ड्यूरिंग फ्लाइट अगर उनकी कोई किसी भी चीज़ से जो है वो टकरा जाते हैं किसी बिगर बिल्डिंग्स से या फिर इसी तरह की किसी चीज़ से तो उनके जो है वो गिल्स उनके जो है वो फीडर्स भी डैमेज हो सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ एनिमल्स के विंग्स और गिल्स उसके अलावा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स डिफरेंट तरह के जो है वो डिजीज़ की वजह से भी जो है वो एनिमल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे जो है वो सडन डिजीज अटैक हो जाता है और एक पॉपुलेशन जो उस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट नहीं है तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती और सारे के सारे जो है वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है. ठीक है, अगर वो कोई भी जो है वो एपिडेमिक डिजीज हो. स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक एरप्शंस और फायर्स की अगर हम बात करें तो वो टेम्परेरीली जो है वो रीजनल वेदर चेंज कर देते हैं. कूलिंग और हीटिंग दैट चेंजिंग विंड्स और काजिंग रेन. फॉर एग्जांपल जब फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं जी किसी भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो वो यूजुअली जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से होती है कि उस एरिया का जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से नेचुरली जो है वहाँ पर आग लग जाती है. ठीक है, तो जो इस तरह के जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो फॉर दैट टाइम बीइंग उस एरिया का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं. ठीक है, उसके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज कर देते हैं. वोल्केनोस स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कैन किल मेरीन एनिमल्स डायरेक्टली और काज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बाय डिपॉजिटिंग डेब्रिस एंड अफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर. एक बात तो यह है कि डायरेक्टली जो है वो एनिमल्स को किल कर देते हैं ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से जो है वो डायरेक्ट एनिमल्स की डेथ हो जाए. दूसरी बात है जी इनडायरेक्टली के विंड्स और जब स्टॉर्म्स आते हैं तो बहुत तेज़ जब हवा चलती है सारा जो है वो कचरा इधर उधर जो जितना भी डेब्रिस अवेलेबल है वाटर बॉडीज़ के इर्द गिर्द रिवर्स और स्ट्रीम्स के इर्द गिर्द जितना भी डेब्रिस अवेलेबल है वो सारा का सारा उड़ के जो है वाटर बॉडीज़ में गिर जाता है और वो सारा का सारा जो है वो उसका पार्ट बन जाता है. पोल्यूशन काज करता है तो उसकी वजह से भी जो है वाटर का टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफकोर्स वाटर की जो है वो वहाँ का जो है वाटर बॉडी का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकती उस इन्वायरमेंट में. ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर मेरीन लाइफ वाइल चेंजिंग द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विच फर्दर अफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड द वाटर टेम्परेचर. ठीक है जी, तो उस सारे जो है वो डेब्रिस के इंक्लूड हो जाने की वजह से फर्दर जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या वाटर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है. किसी भी तरह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो वेरी कर जाता है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो उस इन्वायरमेंट में अब सर्वाइव नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द नेटिव स्पीशी डायनामिक्स. किसी भी एरिया की जो नेटिव स्पीशी हैं उनकी पॉपुलेशन में किसी भी किस्म का चेंज आए तो उसकी वजह क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल उसकी एक रीज़न हो सकती है जी इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि एग्जॉटिक स्पीशीज. ऐसी स्पीशीज को हम इन्वेजिव या एग्जॉटिक स्पीशीज कहते हैं जो उस एरिया की जो है वो उस एरिया में जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती बाहर से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं. ठीक है, और उन स्पीशीज का जो है वो डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है स्वीयर किस्म के इफेक्ट्स होते हैं कि वो जो है वो नेटिव स्पीशीज पे
जब वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो फिर वो नेटिव स्पीशीज़ के साथ जो है वो कम्पीट करती हैं, ठीक है, हर रिसोर्सेज के लिए जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं उस इकोसिस्टम के नेचुरल, उन सब के सब रिसोर्सेज में जो है वो कम्पीट रिसोर्सेज के लिए जो है वो कम्पीट करती हैं, कम्पिटिशन में आ जाती हैं उन नेटिव स्पीशीज़ के साथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नेटिव स्पीशीज़ जो है वो सफ़र करती हैं और उनका पॉपुलेशन जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है जी. The impacts of invasive species on our natural ecosystem and economy cost billions of dollars each year. Many of our commercial, agricultural and recreational activities depend on the healthy native ecosystem. बहुत सारी activities जो हैं वो हेल्दी नेटिव इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं, वो सारी की सारी फिर कमर्शियल एग्रीकल्चरल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, इकोनॉमी को जो है वो नुकसान होता है कंट्री की, क्योंकि नेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो उनका नंबर कम हो जाता है या उनकी पॉपुलेशन किसी भी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है. तो उसका उसकी वजह क्या है, जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ बाहर से इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, ठीक है जी. प्रीडेशन बाय एग्जॉटिक स्पीशीज़ का हेड का हैज़ कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी नेटिव एनिमल स्पीशीज़ ऑन आइलैंड्स. फॉर एग्जाम्पल कि जो बाहर से स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं वो प्रीडेट करती हैं जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज़ को, ठीक है. उसके अलावा जो है वो कम्पीट करती हैं रिसोर्सेज के लिए. कंपटीशन विद डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जिस भी एरिया में प्रेजेंट हैं वहाँ पे जो भी डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक प्रेजेंट है, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक जो है वो ह्यूमन की प्रोटेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है. तो वहाँ पे जो है फिर कंपटीशन आ जाता है, वंस अगेन रिसोर्सेज का कंपटीशन आ जाता है, फॉरेजिंग का जो फीड लेते हैं वो, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम से. तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो बिगर डिफरेंसेस आते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो असिस्ट करते हैं डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक को, जबकि वाइल्ड एनिमल्स को असिस्ट के लिए कोई भी असिस्टेंस नहीं होती और उन्हें जो है वो कम्पीट करना पड़ता है उन रिसोर्सेज के लिए, और उसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स को सफ़र करना पड़ता है. These domesticated species often have the advantage of human intervention, which can often involve unequal access to resources such as water or land. For example, food, water availability भी जो है वो इफेक्ट होती है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है वो सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं. और उसके अलावा लैंड एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो उन्हें इफेक्ट होता है, उन्हें हैबिटेट लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ता है, जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ ऐसा कोई केस नहीं होता. दिस कैन स्क्यू अ स्पीशीज एबिलिटी टू अडॉप्ट और सर्वाइव, पोटेंशियली लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज. तो ऑफकोर्स अगर उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी और सर्वाइव करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, जो बेसिक जो सर्वाइवल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड और हैबिटेट, अगर वही उनके पास नहीं होंगे तो फिर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट ऑफ सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन गो बियॉन्ड ऑफ द फर्टाइल लैंड. सॉइल इरोजन में होता क्या है जी, जो हमारी सॉइल की अपर लेयर है वो वीक हो जाती है, लूज हो जाती है, और जैसे ही जो है वो किसी भी किस्म की विंड या वाटर जो है वहाँ पे आता, उस एरिया में जो है फ्लो करता है वाटर या विंड जो है वो ब्लो करती है, तो उसकी वजह से वो सारी की सारी अपर लेयर जो है वो सॉइल की बह जाती है पानी के साथ, ठीक है, या उड़ जाती है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होता है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ जो है उसे न्यूट्रिएंट लॉस ही नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी हमें बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं सॉइल इरोजन के, जिसके अंदर हमारे पास जो इंक्रीज पोल्यूशन है, जहाँ पर भी जो है वो इरोजन के बाद सॉइल जहाँ पर भी जाएगी वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, वहाँ पर सेडिमेंटेशन यानी कि लेयर्स बन जाएंगी उसकी स्ट्रीम्स और रिवर्स की जो है वो बॉटम्स पर, ठीक है, वाटरवेज जहाँ से भी वो गुजरेंगी क्लॉक कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ में जो जितनी भी हमारे पास लाइफ प्रेजेंट है उसे डिस्टर्ब करेंगी. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फिशेज और दूसरी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है वाटर बॉडीज़ में, वो इफेक्ट होगी सॉइल सेडिमेंट्स की वजह से, ठीक है जी. उसके अलावा डिग्रेडेड लैंड्स आर ऑल्सो ऑफन लेस एबल टू होल्ड ऑन टू वाटर. डिग्रेडेड लैंड्स यानी कि जिन एरियाज से सॉइल इरोजन हो गई है, अब वो डिग्रेडेड लैंड्स हैं, वहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कम हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट भी सारे के सारे जो है वो सॉइल के साथ बह जाएंगे, पहली बात. और दूसरी बात, जो इरोडेड सॉइल है वहाँ पर जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज करने की वजह से जो रिवर बैंक्स पे जो है वो फॉरेस्ट लोकेटेड होते हैं वो जो है वो फ्लड्स को स्टॉप करते हैं, फिर जो है वो भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की डिक्रीज कर जाती है. सस्टेनेबल लैंड यूज कैन हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन एंड द लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड टू डिजर्टिफिकेशन.
तो जी सस्टेनेबल लैंड यूज़ की अगर हम जो है वो सस्टेनेबल यानी कि सस्टेनेबल सस्टेनेबल यूज़ क्या है वो हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। लेकिन सस्टेनेबल यूज़ ये है कि लिमिट्स में रहते हुए जो है वो बेनिफिट भी लिया जाए और जिससे बेनिफिट लिया जा रहा है उसे नुकसान भी ना हो, ठीक है जी। तो सस्टेनेबल लैंड यूज़ के लैंड का इतना ही यूज़ किया जाए कि उसकी सॉइल इरोड ना हो, ठीक है जी। फॉलो अप एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी के बाद तीसरी क्रॉप जब एक किसी भी लैंड से ली जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी जो है वो वहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर वेजिटेशन या वो सर्वाइव नहीं करती, अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी अपर लेयर जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, लूज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर सस्टेनेबल उस लैंड का यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से जो है वो हम सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन से बच सकते हैं और जिसकी वजह से हम जो है वो हमारा एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। Health of a soil is a primary concern to farmers and global community whose livelihoods depend on well-managed agriculture that starts with the dirt beneath our feet. ठीक है जी। तो जिन लोगों का जो है वो livelihood जो है वो रोजगार इसके साथ linked है agriculture के साथ, उनके लिए जो है ये health of soil बहुत important है। Health of soil के soil की जो है वो health कैसी है, उसका texture, उसकी जो है वो कैसी है जी सॉइल, उस एरिया की फिजिकल सॉइल कैसी है, वहाँ पे कोई किसी भी किस्म की जो है वो इरोजन तो नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सस्टेनेबल लैंड यूज़ करें ताकि इस तरह का किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। सो फार वी हैव स्टडीड द थ्रेट्स और की इशूज़ टू वाइल्ड लाइफ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सस्टेनेबिलिटी। सो वॉट इज सस्टेनेबिलिटी? The ability to maintain the ecological processes over long periods of time. Sustainability of an ecosystem is the ability of that ecosystem to maintain its structure and function over time in the face of external stress. किसी भी जो है वो external किसी भी किस्म का external stress जो है वो ecosystem पे act करने के बावजूद वो ecosystem जो है वो long time के लिए अपना structure और function जो है वो maintain रखे अगर, तो इसे हम कहते हैं जी उस ecosystem की sustainability, stability या balance, ठीक है जी। तो जो है वो हर तरह का किसी भी तरह का जो है वो stress act कर सकता है किसी भी ecosystem के ऊपर, ठीक है। तो वो किस तरह जो है वो उस ecosystem के ecosystem जो है वो कैसे उसका balance अपना balance maintain रखता है और उसको stable रखता है, ये सारे जो है वो sustainability approaches में आता है हमारे पास। और इस सस्टेनेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है इकोसिस्टम की हेल्थ के साथ। द मोर सस्टेनेबल इज एन इकोसिस्टम, अगर हमारे पास कोई भी इकोसिस्टम जो है वो जितना ज्यादा सस्टेनेबल है यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल है, बैलेंस्ड है, उतना ही ज्यादा वो हेल्दियर है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ एबल टू डील विद एक्सटर्नल स्ट्रेस बेटर, ठीक है। जितना ही कोई इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड होगा उतना ही जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस को अच्छे तरीके से वो डील कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी पे। ऑल लाइफ फॉर्म्स जो उस इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो हायर और मोर बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम की होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिलेशनशिप्स होंगे उनके आपस में और उतनी ही ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होगी उस इकोसिस्टम की। और जितनी कम जो है वो बायोडाइवर्सिटी होगी किसी इकोसिस्टम की उतनी ही जो है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी कम होगी। Higher biodiversity in an ecosystem means there is a great variety of genes and species in that ecosystem. Higher biodiversity का मतलब है जी कि उस ecosystem के अंदर species की variety और genes genetic जो है वो makeup या gene pool उतना ही बड़ा है उस ecosystem का और उतनी ही ज़्यादा जो है वो उसके linked और network जो हैं वो relationships हैं। A great variety of genes and species means that the ecosystem is better able to carry out natural processes in the face of external stress. कि जितने ज़्यादा जो है वो great variety हमारे पास genes और species की available है उतना ही अच्छे तरीके से जो है वो stress के साथ external factors के साथ limiting factors जो external act करते हैं किसी भी environment पे किसी भी चीज़ की shortage या किसी भी किस्म की destruction degradation जितने भी जो है वो threats different तरह के जो हम discuss कर चुके हैं, ठीक है, तो वो उनसे cope कर सकता है easily. Thus the ecosystem is more sustainable. Next, अगर हम देखें, the more sustainable ecosystem is the better it is for the environment and for people. ठीक है, जितना ही ज़्यादा वो stable और balanced है उतना ही ज़्यादा अच्छा है environment
के लिए भी और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी जो वहाँ पे सर्वाइव कर रही है. पीपल यूज इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ फूड मेडिसिन एंड इकोनॉमी दस इट इज़ इन एवरीवन्स बेस्ट इंटरेस्ट टू इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. हर कोई जो है वो इकोसिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करता है, यूज़ करता है, चाहे वो कोई वाइल्ड एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे, जितने भी उस ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितनी भी लाइफ अर्थ पे इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम्स में बायोस्फीयर पे प्रेजेंट है, उस सबको जो है वो कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं हर किसी भी तरह से. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कौन करता है किसी भी इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को? ह्यूमन इफेक्ट करते हैं. ठीक है, कि वो किस तरह जो है वो सस्टेनेबल वे में जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ करें कि जिससे जो है वो इकोसिस्टम का बैलेंस और स्टेबिलिटी खराब ना हो, ये डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स पे. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ किंझार लेक विच इज प्रेजेंट इन द सिंध प्रोविंस पाकिस्तान. सिर्फ एक लेक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें किंझार लेक इकोसिस्टम की, तो वो सिर्फ एक वो एक छोटा सा इकोसिस्टम वेराइटी ऑफ जीन्स को सपोर्ट करता है. ठीक है, वहाँ पे हमारे पास स्पीशीज भी प्रेजेंट हैं, प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, एनिमल्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, बर्ड्स की स्पीशीज भी प्रेजेंट होती है. हायर बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज द इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी. जितनी भी हमारे पास जो है वो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की ज़्यादा होती है, तो वो सस्टेनेबिलिटी भी फर्दर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, तो वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? वाई हायर बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी एंड वाई इज द इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? कोई भी इकोसिस्टम है वो बहुत तरह से जो है वो हमें जो है वो बेनिफिट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल उस इकोसिस्टम से जो है वो अगर हमारे पास फिशेज प्रेजेंट है, तो हम उन्हें एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, कमर्शली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लैंड और प्लांट्स अवेलेबल है उस एरिया में, बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, उन प्लांट्स पर फिर फीड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जो है वो वाइल्ड लाइफ होगी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होंगे जो उन फिशेस पे, उन प्लांट्स पे फीड करेंगे. ठीक है, उसके अलावा जो ही उस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो फ्लो करेंगे, डिफरेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का पार्ट बनेंगे. और उसके अलावा वो जो हमारे पास इकोसिस्टम है वो एक टूरिज्म स्पॉट है, टूरिज्म अट्रैक्शन स्पॉट है, और वहाँ पर जो है वो हैंस वो जो है वो उस कंट्री की या उस एरिया की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा. सो ऑफकोर्स अगर एक इकोसिस्टम हमें इतने ज़्यादा एडवांटेजेस दे रहा है, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, तो हमें उसको जो है वो सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जो है उसे लॉन्ग टर्म तक जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट. सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट SWM हम कहते हैं जी, साउंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज टू सस्टेन देयर पॉपुलेशंस एंड हैबिटेट ओवर टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पॉपुलेशन. ऐसी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को जो है वो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें. ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए जो है एक्सप्लॉयट कर सकें, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशंस की नीड उससे जो है वो पूरी कर सकें. ठीक है, और लेकिन उन्हें इस वे में यूज़ किया जाए कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म भी ना हो. ठीक है जी, तो पूरे के पूरे बेनिफिट्स भी उनसे लिए जाएँ और उन्हें हार्म भी ना पहुँचाया जाए. ठीक है, तो ये है हमारे पास सस्टेनेबल मैनेजमेंट. This requires that all land users within the wildlife habitat are aware of and consider of the effects of their activities on the wildlife resources and habitat and on other user groups. तो ये कैसे हो सकता है कि हम जितने भी लोग जो उन पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स के साथ एसोसिएटेड हैं या वहाँ पर जो है वो किसी भी तरह से उनसे लिंक्ड हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है वो पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनकी किसी भी तरह की लिटिल एक्टिविटी जो है वो कितना ज़्यादा सीवियर इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है उस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए, हैंस उस इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए. ठीक है, तो सस्टेनेबल वे में जो है वो हम लिमिट्स में रहते हुए जब उसका यूज़ करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉयट करेंगे, तो और उन्हें किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनके फूड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे, तो इस तरह जो है वो हम जो है वो उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं. इन व्यू ऑफ द इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, वाइल्ड लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स विद सिग्निफिकेंस फॉर एरियाज सच एज रूरल डेवलपमेंट, लैंड यूज प्लानिंग, फूड सप्लाई, टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल हेरिटेज. रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास इसके बेनिफिट्स हैं, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से जो है वो गिवन है. इस
Sustainably managed, wildlife can provide continuous nutrition, income, contribute considerably to the alleviation of poverty as well as to safeguarding human environment health. तो अगर हम जो है वो वाइल्ड लाइफ को सस्टेनेबली मैनेज करें तो वाइल्ड लाइफ जो है हमें कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्ग रन, अगर हम इसे सस्टेनेबली यूज़ करें, एक्सप्लॉय फ़ौरन से जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, उसका ओवर एक्सप्लॉयट ना करें, तो हमें लॉन्ग रन के लिए जो है वो न्यूट्रिशन, इनकम और प्रोवाइड कर सकती है, और इससे जो है वो किसी भी जगह की, किसी भी रीजन की, किसी भी कंट्री की जो है वो पॉवर्टी उससे कम किया जा सकता है. उसके अलावा ह्यूमन और इन्वायरमेंटल हेल्थ की सेफ गार्डिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है. सो टू कंक्लूड द होल डिस्कशन, और नेचुरल हेरिटेज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ एन इनवैल्यूएबल एंड इरिप्लेसेबल रिसोर्स. ठीक है जी, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सारी की सारी अवेलेबल है, नेशनल यानी कि जो पाकिस्तान की सारी वाइल्ड लाइफ है वो हमारे पास इनवैल्यूएबल और इरिप्लेसेबल रिसोर्स है. वंस डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डेट ऑफ फ्यूचर जनरेशन डिपेंड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. हमारी जो लाइफ की क्वालिटी और फ्यूचर जनरेशन की जो भी जो है वो लाइफ क्वालिटी होगी वो डिपेंड करती है कि अभी अभी इस करंट सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं उन प्लांट और एनिमल स्पीशीज के साथ, किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं. ठीक है जी, और मोर नॉलेज ऑफ कंप्लीट इकोसिस्टम्स कैन हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड प्रोटेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पीशीज. ठीक है जी, तो कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट स्टडी और के बाद ही जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे उस वाइल्ड लाइफ को, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ को और सारी की सारी कम्युनिटीज़ को जो उस इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं, ताकि उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, उसका बैलेंस मेंटेन किया जा सके. ठीक है जी, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.